उच्ची बोलो हालेलुया। आमेन। अच्छा मैं जब हालेलुया क्या तो बहुत सारे ऐदाई नहीं बोले उन्होंने, सच्ची कैथोलिक तो आए कुछ जब दूसरी जगह तो है ना, तो आप लोग हालेलुया बोल सकते कि दी महिमा ली परमेश्वर दी महिमा ली। ठीक है, हो सकता कोई पहली बार आज आया हुए तो उन्होंने ज्यादा नहीं पता ना, जब आप लोग पहली बार आए ना, तो पहली बार आए तो नहीं पता प्रभु दे राज्य बारे की किया, लेकिन जो कहना बोली जाओ भला ही होगा तेरा। आमेन। बोली जाओ है ना, जिमें असी जो संसारिक सी किसी संसार दे जिदा एक तो परम होंगे ने एक संसारिक बाबे होंगे ने दुकाना वाले दुकाना पाइया ना, उन्होंने को जाने असी वह सानू कहता ऐ करो ये करो जड़े मर्जी धर्म ने जड़े मर्जी ये करी जाने आप करी जाने, असं सोचते उन्हें क्या साढ़ा की हो जाएगा भला आ जाएगा। हूँ सोचने वाली गल आप गलत चीज़ भी करी जाने क्योंकि साढ़े दिमाग से वो साढ़ा भला करेगी, लेकिन दुनिया का सब तो वड्डा धर्म वैसे धर्म नहीं है समझाने लिए कह रहा एक सच का रस्ता, दुनिया का सब तो वड्डा धर्म है और वो भी बहुत स्पिरिचुअल। आमेन। जिते मनुष्य नूं सारे वहमां चों बाहर कढ के एक उस परमेश्वर नाल जीना सिखाया जांदा बेस्ट लाइफ, इन्ना वड्डा रस्ता है। सो जिन्हें भी आए जो भी मेरे मुँह तो परमेश्वर आत्मा तुहानूं बोले वह मगर मगर करते जाना थोड़े समय तक ताकि अज जिंदगी तुहाडी च परमेश्वर वड्डे काम करे। आमेन। सो मैं तुहानूं दसना चाहना कि बाइबल दे अंदर अगर असी चंगाई दे लई बहुत सारिया विषयां नू या वचन नू वर्ड नू देखते हैं बाइबल दे अंदर तो बहुत असी सारे लोग चाहे इत्थे मैनू आके पता लगा इतों की इतों के लोगों की लाइफ का, उत्थे रह के मैनू नहीं सी पता आप लोग इत्थे किद्दां रहिंदे की करदे, थोड़ा इत्थे आके पता लगा। सो मैं कई चीज़ां अनुभव कर रहा है और इस देश बारे भी परमेश्वर नूं पुछ रहा सी, फ्यूचर भी देख रहा सी, उन्नी च ते नहीं देखिया मैं ते वीच की होने वाला, लेकिन हुण मैनूं परमेश्वर ने सिखाया और मोस्टली मैं हर जगह किसी कार किसी विषय किसी जगह ते जावां ते परमेश्वर कोल जाना है और परमेश्वर दे अगे रखदा, तो मैनूं इस देश बारे परमेश्वर दिखा रहा ही आने वाले समय च की होना है, लेकिन अभी तो नहीं दसांगा, लेकिन अभी इस वर्ड वचन नूं सुई सुनो ध्यान नाल सुनो दे देखो। सो इस जगह ते अगर तुसी हीलिंग छुटकारा चंगाइयां जिन्नियां भी होईयां सारियां नूं पढ़ोगे जिन्नियां भी इत्थे लिखियां गईयां चाहे वह पुराने नेम च चाहे वह नवे नेम च, ठीक है, तो इस गल नूं तुसी सीखना अज क्योंकि बड़ी स्पैशल गल है तुहाडे लई, ठीक है, क्योंकि अगर ये साढ़े अंदर बैठ गई तो आसानी नाल कई लोगों के अच काम हो जाएंगे। एमें लेकिन समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा बाइबल के अंदर तुसी देखना कुछ हीलिंग ओयल दे द्वारा इदा दस्या गया हीलिंग बारे ओयल बारे और कई जगह पर असी देखिया कपड़ा कपड़ा लाया या छूया इदा दी चीज़ हीलिंग होई जां किसी दे अखां नूं मिट्टी लाई गई या फिर एक जगह पर थुक भी अखां ते लगाया गया, बोलो कि लगाया गया थुक लगाया गया है ना, या पुराने नियम च एक जगह पर पढ़ोगे तो उस जगह पर एक आराम सॉरी नमान आराम देश का सेनापति नमान उहदी जदों हीलिंग हुई तो उन्हूं पानी विच टुपकी लगा लिखा गया पानी च बाथिंग कर लिखा गया और उन्हें जो कम किया तो उन्होंने की मिली हीलिंग मिली। आमेन। हुण अज तुसी ये समझना कि जो इनिया चीज़ा लिखिया गई अलग अलग तरीके नाल तो इन्हां विचों किन्नियां कंटिन्यू चल रही किन्नियां स्टॉप हो गई गल्लां, क्योंकि जिवें तेल और कपड़े का काम तो चल रहा हीलिंग का लेकिन पानी का भी कुछ कुछ चल रहा लेकिन थुक वाला नहीं हो रहा, बोलो थुक वाला हीलिंग का पॉइंट नहीं यूज कर रहे सारे परमेश्वर के लोग या सेवक और ना ही किसी को हीलिंग देने
पानी दे विच लैके जा रहे, जिवें किसी नूं खारिश आ या किसी नूं बहुत बॉडी पर एलर्जी है, तो सेवक दे मन च आवे अच्छा अज आ जाओ ऐ पानी च स्नान करो, तुहाडा सारी खारिश की हो जाएगी, आउट हो जाएगी, है ना। नहीं कर रही ना, ये भी बोलो, ये भी चीज़ नहीं कर रही है ना। सो कुछ चीज़ां नूं इदां होया, इदां होया हीलिंग दे लई, कुछ चीज़ां नूं सेवक ने क्वांटी नूं परमानेंट उस चीज़ नूं बना दिता हीलिंग दे लई, और कुछ चीज़ां नूं छड़ दिता। की कर दिता? अगर आपां तेल पानी, वैसे पानी नाल तो नहीं कोई चंगाई हुई, मतलब पानी इदां यूज करके पी के, है ना, डुबकी मार के हुई, लेकिन कुछ चीज़ों यूज किया गया। लेकिन ये जो विषय इनू सानू समझना पेगा, क्योंकि हीलिंग का विषय बहुत सारे लोगों अच्छे तरीके ना, ना पता होने करके ही मैं कई बार इंडिया के विच 20-20 साल तो लोग चल रहे प्रभु च, दुनिया भर के जगह पर गए। बोलो कि गए? अब परेशान है बंदा तो जाएगा ना, बोलो किया बंदा परेशान है तो जाएगा, सोचेगा मैं इतने नहीं तो उतने, कितने ना कितने मेरा भला जे तो ठीक है, वो आज़ाद है, उसकी मर्जी है ना, इस करके वो जाएगा। कई बार सेवक तो समझाएगा उन्हें अच्छी चीज़, लेकिन वो मन है ना। सो इस करके आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दसना चाहना ये जड़ी कुछ चीज़ों यूज़ किया गया क्यों, क्योंकि यीशु मसीह ने इन्हों उपदेश नहीं किया। बोलो हालेलुया, कि नहीं किया? उपदेश। उपदेश का मतलब इनू तुसी करते रहना है, इदा इनू बोलते उपदेश। जिवें बाइबल के अंदर बहुत सारिया गल्लां साढ़े लिए की ने उपदेश, उपदेश मतलब राइट फेथ, सही दिशा, सही जो असी करना वर्ड नू पूरा अपनी जिंदगी। तो यीशु मसीह ने किसी भी जगह पर इस गल नू उपदेश के रूप च नहीं सिखाया, ना चेलिया नू किते भी नहीं लिखा इदा करके समझाया इदा दा करते रहो। ठीक है, मैं तुहानू दसना चाहना यीशु मसीह ने क्रॉस ते चढ़न तो पहला और मुरदियां च जी उठन तक पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं सी किसी भी इंसान। आएगा पवित्र आत्मा और आके कुछ कुछ अपना गल करेगा, कुछ कुछ समझ देकर चला जाएगा, लेकिन परमानेंट किसी भी बिलीवर ली, नबी ली, सेवक ली, यीशु मसीह दे क्रॉस चढ़न और जी उठन तक किसी लिए भी पवित्र आत्मा नहीं सी। आमीन। इसलिए होली स्पिरिट, होली स्पिरिट कदी कदी कुछ चीज़ां ऐसा करता है, लेकिन वो चीज़ उस समय सिर्फ उदे लिए। बोलो के लिए सी? क्योंकि होली स्पिरिट जिवें अज मैं भी परमेश्वर का काम कर रहा। ठीक है, तो मैं तो वैसे खुदा ने मैनू इन्हां दे भेदां दा बहुत ब्लैस किया, लेकिन मैं याद आ मैं मोस्टली साढ़े मिनिस्ट्री के अंदर असी ऑयल या कपड़ा ऐसी चीज़ा यूज़ नहीं कर रहे, और मैं किसी के विरोध भी नहीं है, याद रखना, सुना इधर देखना। मैं हमेशा लोगों को राइट फेथ करना सिखाना, सही फेथ जो यीशु मसीह ने करना सिखाया। आमीन। अंडरस्टैंड? तो मैं तुम्हें दसना चाहना मेरे को, मैं देखना कई बार बहुत लोगों की कंडीशन बैड हो जाती, क्रिटिकल, समझ नहीं आ रहा, प्रे भी कर दिती, समझ नहीं आ रहा कि ठीक होना, क्योंकि जो नियम इतने लिखा गया वो तो यूज़ कर लिया। बोलो कि कर लिया? सी वो तो यूज़ कर लिया, लेकिन अगले समय से बंदे नू कोई हीलिंग आ ही नहीं रही, अगले समय से मैं देख रहा छुटकारा आ नहीं रहा। फिर मैं की करदा? पवित्र आत्मा नू पुछदा जो मेरे लिए मेरा सहायक है। मैं प्रे च जाना और पुछदा परमेश्वर दसो की करना। मैनू याद आ शायद ये गल असी गवाही नहीं पाई कि बहुत सारे लोग ये ना सोचन अच्छा इन्हों का इन्ना मेन बंदा बीमार क्यों गया, लेकिन मैं अज तुम्हें दसना चाहना क्योंकि मैंने होली स्पिरिट ने कहा अज दसो। आमीन। कुछ लोग जेडे साड़ी मिनिस्ट्री की शायद सानू देखते ने, कौन कौन ने जो देखते ने साड़ी मिनिस्ट्री नू, हाथ उच्चा करो पूरा, जेडे साड़ी मिनिस्ट्री नाल कुछ जुड़े भी हुए ने, कुछ देखते भी नहीं, काफ़ी ने जिन्हें, इधर देखो
ध्यान दो, सड़ी मिनिस्ट्री दे विच एक लड़का आया जो वर्शिप टीम च, बहुत अच्छी वर्शिप करता लेकिन फ्रंट ते नहीं अजे आया, क्योंकि फ्रंट ते आन दे लई अजे उन्हूं और बड़ी तैयारी करनी पेगी, क्योंकि फ्रंट दे उत्ते पिछले 10-12 साल तो दो बच्चे, एक मेरा बेटा और एक और बच्चा और दो बेटियां नूं पिछले 2-3 साल तो एक मास्टर कोलों असी कॉन्टीन्यू बहुत ज़्यादा पैसे दे के उन्होंने कुछ खवा तैयारी करवा रहे हैं सिंगिंग की, क्योंकि वह मास्टर प्रभु च नहीं है लेकिन सिंगिंग तो सिखा सकता ना, तो वो इस करके उदा लड़के का नाम है करण, कभी कभी वो थोड़ा पतली जी आवाज़ बोलता करण, और कभी कभी स्टार्टिंग प्रे करता है, सुनया ना जिन्होंने पता देख रहे करण। अच्छा वो जो प्रभु च आया तो वह जीवन बहुत खराब सी, संसार च बहुत गंदा जीवन, लेकिन यीशु च आना नहीं चाहता जिवें मैं आना नहीं चाहता। सुनो तो देखो होया कि उन्होंने बहुत सारिया पत्थरियां हो गई मल्टीपल गुरद्या च, पित्त पित्त की बोलते उन्होंने पिता पंजाबी पिता बोलते, तो बड़ा परेशान सी, डॉक्टर उन्होंने ऑपरेशन बोल रहे थे, डरदा बड़ा ही, दिल छोटा ही वह कि ऑपरेशन कराऊँ पता नहीं की होना। उन्हीं दिन ही किसी ने सुसमाचार दिता कि तू जा, क्योंकि वह सा रिश्तेदार भी सी, ठीक है, उन्होंने कहा ताडे ते घर च गंगा है एवं, क्योंकि क्योंकि मेरी वाइफ का सका भतीजा है, सका एवं किसी हो, तो उन्होंने किसी ने कहा भी तेरे से घर च गंगा भी, तू तो मिल भी सकता उन्होंने आराम नाल, तेरी तो प्रॉब्लम जाएगी। अच्छा सुनो इधर देखो ध्यान ना, वो जो प्रभु चाया अपना एक संगति कर रहे जिदा अच कर रहे हैं इस एरिए एक साइड लगा लो इन्नी लोग एमें जिन्हें इन्ने लोग सी, क्योंकि मैं आत्मा कभी कभी अगवाई करता, तो साढ़े 2-3 चैनल ने, एक चैनल आ अपोस्टल सुखपारा व्लोग, कभी कभी मैं किसी मैं होली स्पिरिट दसेगा भी तू उस गाँव जाना जिमें यीशु मसीह जाते अलग अलग जगह एवं, तो मैं कभी कभी अगवाई करेगा तो मैं जाऊँगा, तो वो उस एरिए एक मीटिंग सी सिर्फ इन्ने के लोगों की, उत्थे आया और उन्होंने हीलिंग हुई, उन्होंने डिलीवरेंस मिली, उस दिन ही दर्द बंद हुई और बाद च उन्हें जो एक्सरे कराया तो सारिया पत्थरियां गायब टोटली एवं। फिर वो बुद्धिमान बड़ा बदना शुरू होया, बहुत बद गया, पत्थरियां गायब खत्म सारिया एक्सरे, जिन्हें साल लगभग 2-3 साल तो चल रहा प्रभु जी, ठीक है, लेकिन अचानक थोड़े दिन पहले वो फिर दर्द हुई पेच, बहुत तेज पिछे नू गई दर्द, तो अब विश्वास कर रहा क्योंकि दूसरे नू बड़ा सिखाता विश्वास बारे, लेकिन अभी वो दर्द जा नहीं रही, बद रही है, फिर ठीक हो रही बद रही, करते करते कम बिगड़ रहा, एक्सरा कराया दो पत्थरियां आईया दे फिर किनिया, एक्सरे दे विच एक किडनी तो एक नाड़ी पेशाब वाली थैली में जाती है, उस नाड़ी के अंदर पता नहीं किदा फसी एक पत्थरी और दूजी गुरदे दे नाल लगी हुई पत्थरी, और जिदे करके वो बहुत प्रॉब्लम चला गया, ठीक है। सुनना इधर ध्यान ना, थोड़ा मैं हॉली स्पिरिट का काम दस लगा, ठीक है, तो अब दर्द बढ़ रही है, फिर उन्हें थोड़ी मेडिसन ले रहा कि चलो कोई नहीं परमेश्वर तो हैगा मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा मेडिसन ले रहे, अजे तक मेरे तक गल नहीं आई, बोलो अजे तक नहीं आई गल, अजे तक वो अपने लैवल च टीम नाल या इधरों उधरों या खुदा दी दासी ना कुछ गल करके उस गल नूं नबेड़न की कोशिश कर रहे है ना, लेकिन अभी निबड़ नहीं रही वो गल, तो गल बढ़ गई। 5-6 दिन हॉस्पिटल च ड्रिप लग गए, 3-4 इंजैक्शन ला रहे, दर्द नहीं रोक रही, नहीं रोक रही, और डॉक्टर ये बोल रहा कि असी ज़्यादा भी इंजैक्शन नहीं ला सकते दर्द दे, क्योंकि तुहाडी सेहत लई की हो सकते ने माड़े हो सकते ने, ठीक है। फिर उस तो बाद
मेरे तक गल आई, और जो मेरे तक गल आई तो उस समय उन्हों पानी भी नहीं पच रहा। अगर वो पानी नहीं पीता तो की हो रहा, उल्टी आ रही, पानी भी बाहर आ रहा। पांच दिन तो उन्हें कोई खाना नहीं खाधा, और मैं जो उस बंदे नू देखिया कि इदा तुर रहा, इदा 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 मुंह सारा इदा इदा ऐ जितना मतलब खत्म हो चलिया, क्योंकि उस जात नहीं गई है ना, आप समझ सकते ना इन्ना बुरा हाल हो गया। ठीक है, तो मैं सोचा परमेश्वर मैंने की करना चाहिए, बंदा तो बड़ा सिक हो गया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्योंकि हूँ परमेश्वर दसेगा की करना। अच्छा उन्हीं दिनी या इन्हीं दिनी कुछ महीनों तो मैं अपनी चर्च के अंदर एक स्ट्रोंग प्रे स्टार्ट की है, जिदे विच मैं 2 घंटे टीम के 4-5 मैंबर बैठते हैं मेरे ना जो सेवा करते हैं, क्योंकि वह भी आत्मा च फिल रहे, कुछ वड्डिया चीज़ा मेरे नाल करन, मिसटेक ना करन। मैनू होली स्पिरिट ने कहा ही, मैं 2 घंटे एक टीम ना, 2 घंटे एक टीम ना, मैं तो 12-12, 14-14 घंटे कर रहा, और 5-5, 6-6 टीम शिफ्ट बदल रही है, लेकिन मैं बैठा हुआ। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सारे हम समझ आ रही, सुनो तो देखो ध्यान ना। मैनू होली स्पिरिट ने कहा इनू भी बिठा ला, क्योंकि एक दिन पहला मैं प्रे की थी, मैं भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने होली स्पिरिट ने कहा इनू भी बिठा, एक अच्छी कुर्सी सी, मैं क्या तू बस इतने बह जा, तेरे को प्रे होवे या ना होवे तू बस इतने बैठे रहना, जिन्ना बस असी बैठे हैं। ठीक है, जो मैंने होली स्पिरिट ने कहा, ये तो लिखा नहीं है ना, इदा तो नहीं लिखा ना, बोलो इदा तो नहीं लिखा ना। इसे लिए पवित्र आत्मा का दान है, इसे लिए मैं ये गल करता थोड़े ना। एक तो मैं जो शुरू हो जाता मैं सब कुछ अगे अगे हो जाता, क्यों जाना मतलब मेरा प्रचार इदा का समझ नहीं आता, बस शुरू हो जाता। फिर अगर सुनने वाले आ, चाहत वाले आ, तो 2-3 घंटे भी मेरे सामने बैठ के उन्होंने लगेगा जो 20 मिनट हो सच्ची, अगर प्यासे ने तो एमें सो। लेकिन मैं आज लंबा नहीं करना, क्योंकि जल्दी हीलिंग स्टार्ट करनी है, मैं जल्दी जल्दी इस पॉइंट में शुरू करूँगा। सो उन्हें जो बिठाया, प्रे स्टार्ट हो रही, वो कर रहा मतलब बुरा हाल हो जा। ठीक है, लेकिन मैं बैठे बैठे उन्हों परमेश्वर के सामने लैके जा रहा, उन्हों हीलिंग दे रहा, उन्हों परमेश्वर के सामने रख रहा, खत्म हो रहा, रो पत्री खत्म हो रही है। ठीक है, जड़ तो अंदरों खत्म हो रही है, क्योंकि होएगी या नहीं होएगी, ये अवेलेबल है ना, अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा उस तो बात किया, दोपहर जिन्हों थोड़ा जा हल्का जा कुछ लेना सी मैं खाने हल्का जा, तो उन्होंने कहा तू भी ले, कहना ना मैं कुछ ले रहा सी हल्का, मैंने कहना अपास्टर जी हाय मैनू घर जान दो, मतलब मेरी समझ तो सारा कुछ बाहर हो गया, मैं चुप करके बैठा रहे। ठीक है, तू बस सब कुछ तेरा ठीक होने वाला। ठीक है, उस तो बाद शाम तक बंदा घोड़े वर्गा हो गया, घोड़े वर्गा सच्ची, क्योंकि यह गल मैनू होली स्पिरिट ने क्या ये लिए करना की है। इस जगह पर कुछ लोगों के लिए होली स्पिरिट ने क्या की करना, सारे लिए नहीं किया, हर एक लिए नहीं लिखा, लेकिन कभी कभी यानी असी उन्होंने रीति बनाता, हर बंदे शुरू करवाता भी इदा का करो। एमें हालेलुया, किन्ने लोगों गल समझ आ रही। देखो अगर तो तुम प्रभु को प्यार करते तो इस गल को समझे हो, सच्ची है तुहाडे लिए, क्योंकि तुम बहुत जगह देखोगे, ज्यादा जगह पर देखोगे यीशु मसीह ने जो हीलिंग की वो जस्ट साढ़े मन के फेत उत्ते की, कद उत्ते की। सब तो मेन चीज़ है साढ़े मन का विशा, साढ़े मन का फेत सब तो मेन चीज़, हालेलुया सब तो मेन चीज़। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ यूज हुई ना, तो वो उपदेश किया गया ना, वो डॉक्टरन सी, लेकिन इस जगह के उपर अज थोनों जो मन का विशा है, हालेलुया
मैं एक दिन अपने प्रचार च बोल रहा सी, मैं कई इंडिया दे विच जड़े हिंदू बाबा है ना, आप समझते ना, आचार्य वगैरह जिन्होंने कई तरह के नाम दिते गए ने, मैं उन्होंने देख रहा, उन्होंने मैं कई वीडियोज़ भी देखी, वो गोरिया नू टीच कर रहे ने कि और बहुत सारे गोरे उन्होंने भगत बन रहे ने, जानते हो कि कर रहे ने, वो मन के उत्ते गल कर रहे, मन के उपर वो मन के उत्ते गल करके गोरिया नू अपने पिछे लगा के उन्होंने जो भी जड़ा भी ईश्वर दसना दस रहे ने। तो जड़े उत्तम लोग ने आपा लोग, हालेलुया, थानू एक स्पेशल काम लिए बुलाया गया है, थानू भी सच्ची नॉर्मल नहीं बुलाया गया, लेकिन लेकिन अगर अगर जिवें एक जेट प्लेन, बोलो जेट प्लेन समझ देना, अच्छा जेट प्लेन रोड के उपर ही जा रहा बाहर जोड़े रोड ने, तो तुम देख रहे एक तो की कहोगे, हाँ की आ गई, अरे ये जेट प्लेन रोड से की कर रहे, क्योंकि तुम जानते जेट प्लेन ऊपर उच्चा उड़न ली, परमेश्वर कहता तुम हो तुम ऐदा हो, लेकिन लेकिन पता नहीं मैं कौन है, बोलो अगर मैं पता नहीं मैं कौन है, तो उते कई लोग 10 साल 15 साल तो प्रभु च नहीं मेरे सामने आते, बचाओ 15 साल प्रभु च और पता नहीं की करना, बोलो पता नहीं की करना है ना। तो इस जगह पर मैं तुम्हें दसना चाहना, इस पॉइंट को मैं तुम्हें 2-3 हीलिंग बाइबल के अंदरों पढ़ाना चाहना आ, एक पॉइंट समझाना चाहना आ, ताकि तुम समझ आए ये विशा की है। मैं प्रेरितों की बुक च जाना चाहना, इन पंजाबी बोलते ने रसूलों के करतब, ठीक है। इस जगह के उपर यह वचन मैं दसन की लड़ नहीं, तुम्हें बहुत सुनिया, ठीक है, लेकिन एक गल याद रखना, कई बार जड़ा वचन तुम्हें पता होगा ना थोड़े लिए नॉर्मल हो जाएगा, सच्ची एमें कई बार कई वचन दसो किसी ने, हाँ जी ये तो पता पूरा सानू, हाँ जी पूरा पता सानू, पता पुता कुछ नहीं उन्होंने, जस्ट बोलन दे रहे हो, हालेलुया, जस्ट जड़ी चीज किसी नू पता लग जाए वचन बारे इदा है वो उन्होंने नॉर्मली लेंदे ने, जबकि इदा नहीं, जबकि परमेश्वर के वचन की महत्ता वैल्यू थोड़े अंदर बनी रहनी चाहिए, वो तदे बनेगी जो थोड़े अंदर आत्मा काम करेगा, होली स्पिरिट काम करेगा, कौन काम करेगा, होली स्पिरिट, एमें। तो मैं इस जगह पर तुम दसना चाहना, अगर तुम रसूलों के करतब प्रेरितों की बुक इंग्लिश बोलते एक्ट्स, अगर इस बुक में पढ़ोगे चैप्टर 3, तो इस जगह पर पढ़ाना पढ़ाना कुछ नहीं है, इधर देखो बस मेरे, ठीक है, अपने बस समझना मैं की दस रहा, क्योंकि मैं अज थोड़े लिए थोड़े समय में एक विषय में मैं पाना चाहना, अगर वो थोड़े अंदर पै गया तो तुसी जेट प्लेन की तरह आउट हो गए, जेट प्लेन। और मैं ये गल कहानी नहीं बोल रहा, मैं कहानी समझते, कहानी नहीं, मैं ये सच्ची गल सच्चाई तुम्हें दस रहा, ठीक है। सुनो इस जगह पर होया कि इस जगह पर एक लंगड़े को चंगाई मिलती है, ठीक है, अगर तुम देखोगे तो पतरस योहन्ना और कुछ चेले मंदिर के अंदर प्रार्थना कर ली जाते सी, यहोवा टेंपल, ठीक है, तो लोग एक भिखारी नू बैगर नू जिहड़ा जन्म तो लंगड़ा सी उस यहोवा टेंपल के बाहर गेट दे बिठा देंदे भीख मंगण लई। और एक दिन इदां दा वाकया होया कि वो भिखारी बहुत देख रहा है इन्हां नू योहन्ना और पतरस, ठीक है, तो जो उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा इनू चंगा होने का विश्वास है। साढ़े लिए कभी कभी परमेश्वर ने वचन जो लिखा ये थोड़ा करके लिखा, ये अंदर पूरी डिटेल नहीं दिती, जिमें उत्थे की होया की नहीं होया है ना, किनिया गल् होगा की होएगा, साढ़े लिए बड़ा थोड़ा लिखा, मैं और भी कई जगह पर तुम समझावगा,
लेकिन एक्चुअली साढ़े को होली स्पिरिट है तो सानू सारा रेवलेशन पता चल जाएगा इतने विशा की सी। ठीक है, तो विशा इतने मैं जरा तुम मेन दसना चाहना, इस जगह पर उन्होंने चेक किया पत्रस तो योहन्ना ने लंगड़े नू बहुत फेथ सी। जानते क्यों? क्योंकि वह येशु बारे इन्ना जान चुका है, इन्ना सुनना येशु बारे, येशु तो चला गया लेकिन वो दिमाग सी ये बंदे वो नाल ने, वो चेले ने, अगर ये भी मैनू चंगाई देंगे तो मैं चंगा हो जाऊँगा। ठीक है, इदा वो अंदर फेथ सी, इसलिए पत्रस ने बहुत जल्दी उन्हें देखा और क्या मटीरियल पैसा चीज़ा साढ़े को नहीं है पर तेरे लिए 100% चंगाई है, क्या रेडियां लेने ली? तो उस बंदे ने बोला यस। इस जगह पर उन्होंने कोई भी किसी किस्म की यूज नहीं की कोई मटीरियल, इस जगह पर उन्होंने यूज किया सिर्फ अपना मन ते उदा मन। इतने विशा सी चेलियां दे अंदर फेथ और उस बंदे दे अंदर फेथ मन का। ठीक है, लेकिन जो हीलिंग हो गई, लंगड़ा उठ गया, चलन लग पाया, उन्होंने नाल लै गए मंदिर के अंदर, यहोवा टेंपल के अंदर, उस जगह पर यहूदी याजक आश्चर्य कर रहे हैं ये किदा होया, किदा होया, तफ्तीश कर रहे, चेक कर रहे, बड़िया चीज़ा कर रहे। ठीक है, और जो बड़िया चीज़ा करके उन्होंने तफ्तीश कर रहे थे चेलियां की कि होया कि नहीं होया। ठीक है, उस तो बाद की होया, मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहना हाँ 3:16। ठीक है, इनू सीखना की लिखा, इदा लिखा, और चेलिया ने की किया 16 दे विच, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थ्य है, है ना, आमेन। और अगले क्या, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बड़ा चंगा कर दिया है, आमेन। इधर देखो सारे ध्यान दे नाल, इस जगह पे मैं तुम्हें पॉइंट देना चाहना एक जबरदस्त, जो हीलिंग हुई, हीलिंग दी जो तफ्तीश हो रही तो चेले हीलिंग दे बारे सब तो पावरफुल चीज जड़ी समझा रहे सी उसी यीशु नाम ते विश्वास, आमेन। फिर तो बोलना चाहना मैं कहते थे यीशु नाम ते, है ना, क्योंकि तुहानू सब तो मेन पॉइंट समझ आना, क्योंकि कई बार हुंदा की आ बहुत सारे विषय 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 तो साडा मेन फोकस, जिवें मैं बोलिया कि कई बार कोई वचन तो अनु पता लग गया 10 वारी 20 वारी तुम पढ़िया या सुनिया सारा पता कि सू, हाँ जी, मतलब इदा फील करता जो मैं सारा कुछ पता मैं, आप समझते हो, लेकिन याद रखना उही वचनों के अंदर अच्छे तरीके ना आदर नाल बैठना चाहिए है, उस वचन की वैल्यू के अंदर रहनी चाहिए। जिवें ये गल जी कह रहे ने यीशु नाम उत्ते विश्वास की गल कर रहे, लेकिन एक गल याद रखना असी सोंग्स गाने यीशु है ना, नाम 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 उच्चा उच्चा कई तरह बहुत सारा नाम कई तरह के सोंग्स गाने हैं, लेकिन कभी कभी साढ़े अंदर ये गल फोकस नाल अच्छे तरीके नाल अंदर नहीं चल रही, अच्छे तरीके नाल अंडरस्टैंड नहीं है गल ये विशा की है, आमेन। तो हीलिंग ली आज फिर कई चीज़ा यूज कर देना, हीलिंग ली कई तरीके यूज कर दें, लेकिन इस जगह पर जो हीलिंग हुई तो उन्होंने एक पावरफुल पॉइंट उन्होंने सारे लोगों दसिया जो उन्होंने भी और साढ़े लिए भी, उन्होंने कहा यीशु नाम के उत्ते इन्हें जो विश्वास किया उस यीशु नाम के नाल एक काम होया जिन्होंने तुम क्रॉस उत्ते चढ़ा दिता तो मार दिता, तीसरे दिन मुरद्या चुकी हो गया है, जीवित हो गया है। ठीक है, तो अभी ये थोड़े लिए मेन पॉइंट है, लेकिन मैं अभी एक थोड़े लिए और वचन पढ़ना चाहना हाँ, ये प्रेरितों की बुक 9 अध्याय में एक पत्रस ने मुर्दा जिंदा किया जिहड़ा ऑलरेडी तुहानू पता है, लेकिन मैं जो तुहानू पता उहदे विच एक नवी चीज़ समझा रहा तुहाडे लई स्पैशल ताकि तुहाडा फेथ अज और अच्छा करा, आमेन आमेन। सुनो ते देखो इस वचन नू जल्दी जल्दी कंप्लीट करांगे, इस जगह के उपर अगर मैं तुहानू दसना चाहुंदा
ਇਹ ਏਰੀਆ ਆ ਯਾਫਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਰਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਰਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਣ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨੀ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਤਰਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 39 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 9:39 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤਬ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੋ ਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਜਬ ਵਹਿ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਵਹਿ ਉਸੇ ਉਸ ਅਟਾਰੀ ਪਰ ਲੈ ਗਏ ਸਭ ਵਿਧਵਾਏ ਰੋਤੀ ਹੋਈ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਰਤੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੋਰਕਾਸ ਨੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਥੇ ਦਿਖਾਣੇ ਲਗੀ ਤਬ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਔਰ ਸ਼ਵ ਕੀ ਔਰ ਦੇਖ ਕਰ ਕਹਾ ਹੇ ਤਬੀਤਾ ਉੱਠ ਤਬ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਖੇ ਖੋਲ ਦੀ ਔਰ ਪਤਰਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈ ਅਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਖਤਮ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਡੈਡ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਥ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ 7-8 ਜਾਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਡ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੀਲਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀਲਿੰਗ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀਲਿੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀਲਿੰਗ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਵਰ ਉਸ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਥ ਆ ਲਾਸ਼ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਰਸ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਔਰ ਸ਼ਬ ਕੀ ਔਰ ਦੇਖ ਕਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਰੇ ਔਲਰੇਡੀ ਤੂੰ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਔਲਰੇਡੀ ਸਾਹਮਣੇ
एक्चुअली वो एक साइड से कंध वाल हो गया क्योंकि उन्होंने देखना नहीं चाहता हालात को क्योंकि वह फिर पहला ही उन्होंने वेख वेख के डाउन जा रहा है। वो कला बह के प्रे कर रहा ने भाषा कर रहा कर रहा कर रहा अद्धा घंटा अद्धा घंटा वह फेथ बद गया। होली स्पिरिट उन्होंने गर्म कर रहा कहता यस उन्होंने खड़ा कर रहा और खड़ा होकर अगे आता है। अब उधरों उठ के घूमता अब बॉडी को देखता है अब बोलता हे तबीता उठ अब विश्वास ना भरिया मुर्दा जिंदा हो जाता है। मैं की हो जाता मुर्दा हालेलुया। क्या आप पॉइंट समझ आ रहे हैं होली स्पिरिट? क्योंकि अगर नहीं समझ आया तो आप लोग अच्छा दूर का इस वाला हाँ जी कई बारी पढ़ा आप वचन पढ़िया बड़ी बारी आ इतने होया जिंदा। अरे उन्होंने समझो विशा समझो विशा क्योंकि ऐसे बहुत बार वचन साड़ी जिंदगी आम हो गया साढ़े यीशु नाम यीशु ते विश्वास आम गल होगी आम गल इज्जत के खास गल ही और बड़ी स्ट्रोंग और वड्डी गल ही। इसलिए मसीह लोग अज बहुत सारे सफर कर रहे हैं मसीह लोग कई प्रॉब्लम्स ने क्योंकि होली स्पिरिट बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर काम नहीं कर रहा। आमेन। सो मैं एक तुम्हें लास्ट विच और वचन पढ़ावांगा और बड़ी जल्दी मैं हीलिंग स्टार्ट करूँगा गुड न्यूज। आमेन। ओके 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 नहीं वैसे मैं एक कान होर किस गल नहीं किया इस गल नहीं किया मैं इदा आवाज आ रही ही हाँ हाँ छेती करो ओ असली काम है छेती करो मैं इदा की आवाज आई शायद शायद मे बी हालेलुया। चलो मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहना यह वचन मिलेगा सानू प्रेरितों की बुक ची ठीक है एक्ट्स बुक में यदि 14 विच असी एक पॉइंट पढ़ांगे इस जगह ते प्रेरित पॉल ठीक है प्रेरित पॉल इस जगह ते की हो रहा इस जगह ते मैं जो भी तुम्हें पढ़ा रहा यह सारा कुछ साढ़े मंड ऑफ फेथ फेथ और दूसरा होली स्पिरिट। होली स्पिरिट चैप्टर बहुत बड़ा है समझना पड़ेगा अगर नहीं समझ आया ना तो नाम दे ही रह जाएंगे हाँ होली स्पिरिट हाँ जी नाम दे रह जाएंगे अगर समझ नहीं आया तो चैप्टर तुसी सोचो मैं तुम्हें वर्ड दे रहा मैं तुम्हें वर्ड दे रहा क्यों इदा दे रहा क्योंकि मेरे को होली स्पिरिट और मैं अगर तुम्हें बाइबल दी बहुत सारिया गल्ला दसांगा तुसी सोचोगे अच्छा इदा सुनिया नहीं इदा सानू समझ नहीं ये होली स्पिरिट हालेलुया। कदी कदी होली स्पिरिट मेरे लोगों बारे दसदा एक सिस्टर आई सुनो तो देखो साड़ी मिनिस्ट्री जी जुड़ी पिछले कोई 5 साल तो जुड़ी तो वधिया नहीं चल रही परमेश्वर नाल कदी कदी होंगे ना कुछ लोग बोलो की होंगे ने हाँ मैनू गर्मी लगनी शुरू हो गई थोड़ी लगता सारा बंद करता या आत्मा की गर्मी आमेन। सुने दिन देखो वधिया नहीं चलती तो कई छोटे मोटे हालात फिर चलते रहते कभी ये कभी वो चली जाते कभी कभी उन्हें अगे आना प्रे करा ली तो मैं जानता ही काफ़ी समय तो साड़ी मिनिस्ट्री तुम देखना कई बार कई लोग बड़े इंस्पायर अच्छा अपोस्टल इनू कितना जाते इनू कितना जाते अरे जानना चाहिए अपने लोगों का पता होना चाहिए कौन कौन नहीं चाहे उत्तर गिनती बड़ी वही है साड़ी मिनिस्ट्री फिर भी मेरी इच्छा थी मैं जाना ठीक है सुना तो देखो मेरे को अगे आई कई बार कहना उन्हें पास्टर जी आ लोग वे किन्ने ठीक होंगे है साड़ा ओदा नहीं ठीक हो रहा सारा कुछ ओदा नहीं हो रहा सारा ठीक आप समझ रहे इदा उन्हें गल करनी और जो इदा गल करनी अचानक वो फस गई वो ना एक दाड़ च रेशा पै गया और वो गल गई दाड़ और डॉक्टर को गई उन्हें जो दाड़ कटवाई पता नहीं की प्रॉब्लम आई जिदे नाल उहदे कोई वेन समून च कोई प्रॉब्लम आ गई जिदे नाल उहदा पूरा मूँह च दर्द कॉन्टीन्यू आ गया कॉन्टीन्यू दर्द कॉन्टीन्यू दंदा च अंदरले मसूड़ियां दे थले और इतों इधरलियां नाड़ियां तक दर्द जा रहा इतों तक जा रहा ठीक है सारिया जगह बड़ी परेशान हो अच्छा एक अद्धी बारी उन्होंने ले हैंड करवाया लेकिन नहीं हुई हीलिंग
नहीं मैं तो विश्वास किया ले आने के लिए पूरा, मैं तो पता नहीं किन्ने घंटे प्रेरणा जे, लेकिन वो मन तो ही पहला ही वेख लो, मैं पहला समझाता है तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक दिन उन्हें कहा भी तुसी मिलाना कि नहीं मिलाना पास्टर जी नाल, नहीं तो फिर मैं चली होर मिनिस्ट्री, ठीक है। धमकी वधिया लाती उन्हें, मैंने जो दस्या तो मैं क्या चलो मिला दो, मैं अपने ऑफिस च बैठा मैं मिलया, मैं क्या दस ओ ते मेरी सोने ना अपनी सुनाई जाए, रोई जाए, ये वो आ बोली जाए बोली जाए, बो कुछ ना सुने उन्हें, मैं क्या तू ठीक होना बई, तो और मैं ठीक ही होना है, और मैं की लेना, मैं आप समझते हो कहते मैं ना वो मैनू पापा जी भी कह देंदी है ना लेडीज, वो तो पंजाब कहेंदे पास्टर नू पापा जी, ठीक है शायद इतने नहीं कहें, तो मैं नहीं कहा किसी को मैनू पापा कहो, लेकिन अलग अलग मिनिस्ट्रियां तो हवा उड गई थोड़ी सारे चले गई इसलिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सुनना इधर देखना ध्यान ना, मैनू कहती जे तो अज दाना मिल दे ते मैं चली बाप शेक दे मैं अच्छा पूरी धमकिया आप समझते हो, लेकिन इधर कोई मिनिस्ट्री है उनका नाम लेके कह रही, सुनो तो देखो मैं उन्होंने कहा भी मैं स्पिरिट नूं पुछया ले हैंड हो चुकी आ की करना चाहिए परमेश्वर, इनू समझावांगे भी तो कितना टाइम लगना, और मैनू नहीं लगता कि कोई गल नूं चंगी तरह फॉलो करे, परमेश्वर दस की करा मैं पवित्र आत्मा जी, क्योंकि सिस्टम ही इदा दा बनया कि उन्हें कुछ भी समझा लो समझा लो समझा लो, मैनू नहीं लगता कि कोई चीज़ जो परमेश्वर कह रहा उन्हें सही रीति ना करे। तो मैं परमेश्वर ने पूछा कि परमेश्वर तू ही दसो मैं की करा, मैंने परमेश्वर ने कहा इन ना एकदम स्टिक कर दे कि तू सवेर तो लैके शाम तक चर्च रहना, तीन दिन आना और तिना दिन बाद तू फ्री, ठीक है। इदा मैंने पवित्र आत्मा ने कहा, तो कहती फिर तु ही मेरे नाल हो गए, मतलब तु तीन दिन बुला मेरे लागे मैनू मिलते रहोगे। मैं क्या भी तेनों तो परमेश्वर ने जो क्यों करना, आप समझ रहे ही नहीं समझ रही। वो बड़ी मुश्किल वो दिमाग च गल सैट पाई जड़ी पवित्र आत्मा ने कही, चलो मैं उन्हों मेरा ख्याल वीरवार मिलिया, शुक्र शनि और संडे तीन दिन मिल उन्हें आना है। तो गल सुनो ध्यान ना होया कि जड़ी टीम ने मैं ड्यूटी लाई भी तुसी इन्हों ना आ आ आ चीज़ा उत्ते इहदा माइंड सैट करना, बाकी फिर मैनू बुलायो की करो टुट जाएगी, इनू पता नहीं क्योंकि नवी नवी शिक्षा नवी नवी गलों च फस जाएगी, क्योंकि हो रहा बड़ा कुछ दुनिया के उपर, बाइबल च लिखा इदा होना है, ठीक है। कई बार कुछ बिबलीकल गल ने कभी नॉन बिबलीकल गलों च भी फस जाते मसी लोग बेचारे। तो मैं क्या रूह आ चाहे गरीब आ आप की लेना, रूह तो रूह आ कीमती है, मैटर नहीं अमीर गरीब, ठीक है। सुनो देखो तो मैं टीम मैंबर नूं समझाया आत्मा च ए पॉइंट तेन सैट कर, बाकी मैनू भी थोड़ा मिला दी, ठीक है। अगले दिन वो टीम मैंबर ने देखिया वो आई नहीं दोपहरों बाद फोन किया, तो कहती साढ़े तो परौने आए सुन लो बलीवर्स दा हाल, तो मुड़ के कहते पता की कहते उत्थे भी गए इत्थे भी गए इत्थे भी गए इत्थे गए, गल तो समझ ही नहीं की करना, बड़ी मुश्किल उन्होंने समझाया समझाया भी किन्ने दिन क्या महा ही सदी चर्च महा ही आ गई, ठीक है। उस बाद उन्हें वो दिन पूरे किए, पवित्र आत्मा का विश्वास से उन्होंने समझाया, मैं तीसरे दिन शाम तक सारी प्रॉब्लम चले गई सारी। हालेलुया, इन्हें बोलते होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। कभी कभी असी किसी एक रीति च रह जाने, बोलो कभी कभी किस असी बस उस गल च रह जाने जो चल रहा। पवित्र आत्मा कुछ स्पैशल अकॉर्डिंग टू योर मन अगुए नूं दसेगा, अगर तुहानू समझ नहीं आ रही तो अगर अगुआ भी आत्मा च फिल लिया, अगुआ भी आत्मा नाल भरिया थी, और अगर वो सही रीति नाल परमेश्वर की सेवा करता तो आमीन। मैं तुहानू दसना चाहुंदा इस वचन तो बाद इस जगह ते पत्रस
लुस्त्रा नाम एक एरिया आ, मैं जानता सारे पता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, पता नहीं मैनू, मैं लंडन समझ के ही शायद सोचा व्डा बड़ा है एवं भी लंडन आ बंदे भी लंडन वर्गे, लेकिन मैं इस करके शायद इदा फील कर रहा। बाकी मैं तुम्हें दसना चाहना, लंडन हो अमेरिका हो, कुछ भी हो, अमीर हो, किन्ना भी एजुकेटड हो, एक कोई मायने नहीं रखते रब के सामने। रब का रब जो कह रहा परमेश्वर सानू समझना पैना, क्योंकि वह अमीर गरीब अनपढ़ पढ़े लिखे हर ले एक समान है परमेश्वर। हाँ असी इंसान एक समान नहीं है, मैंने किसी ने थोड़ा वध दिता दान, हाँ वो हाल है, हाँ यार तू कि रह गया आप समझते थे आप इंसान इदा दे, लेकिन याद रखना खुदा उस सब दे लिए एक समान है, याद रखना। सो इस जगह से असी वचन पढ़ा की लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलस की बातें करते सुन रहा था और पौलस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। आमीन, हालेलुया। और ऊंचे शब्द से पौलस ने कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा और लोगों ने पौलस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। हालेलुया। ओ एरिया अन्य जातियां नहीं, देवता कौन परमेश्वर कौन ए डिफरेंस उन्होंने नहीं बताई, इसलिए उन्होंने इदा समझा, समझते आप, एक स्पेशल कोई चीज इस तरह करके वो लोग बंदे। लेकिन इस जगह थे अगर देखिए तो जस्ट दो तीन लैना नहीं साढ़े लिए, लेकिन उत्थे जो भी होया दो तीन लैना तो नहीं, कोई दो चार मिनट का विषय तो नहीं, क्या पौलस सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, काफ़ी टाइम का उत्थे लगा आएगा, क्या क्या वचन सी, क्या वो दस रहा सी, है ना। तो ये अन्य जाति लोग भी सी, ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, लेकिन साढ़े लिए तो बहुत छोटा लिखिया, लेकिन होली स्पिरिट है जो सानू उहदा प्रकाशन समझाएगा, इतों का विषय समझाएगा, ठीक है। लेकिन इस जगह ते भी विषय किया मन का, केड़ा विषय, हीलिंग का विषय किया मन ते मन का फेथ, हालेलुया। ये विषय आप जानते हो बाइबल च भी लिखा ना कि सब तो वध तू राखी कि कर अपने मन की, क्योंकि जीवन पाउन का मूल स्रोत की आ मन की राखी। और मैं अगर तुहानू सारयां नू इह गल पुछा, उद्धार सालवेशन या मुक्ति किदा मिलेगी, की करना पड़ेगा, अगर मैं पूछा तो बोलो कोई कोई आंसर देगा, माइक लेना है, मन बनाना पड़ेगा। अच्छा मतलब अगर कोई दसना चाहता तो मैं सुनना चाहना किसी के मुंह तो, खुदा दे वचन दे, बस बस अच्छे ने हॉल आ उदा आवाज आ नहीं उठ के, ओके है वचन दे यीशु दे खून, अलग अलग व्यू अलग अलग सुनने मिल रहा है, कन्फेशन करना। चलो चलो इधर देखो, मैं जो समझाना चाहना सारे देखो, तो ही मैंने दसो उद्धार वड्डा आ, मोक्ष वड्डा, सालवेशन वड्डा, मतलब तीनों चीज एक ही है, मैं तीन शब्दों बोल रहा, सालवेशन वड्डी आ जां चंगाई वड्डी है। तो सालवेशन लिए की करना, तुहानू ये समझ चाहिए, अगर अगर ये समझ नहीं आई कि सालवेशन लिए असी की करना, तो फिर चंगाई लिए भी की करना, दोनों चीज दसी है परमेश्वर ने, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही करना की है।